और आपका आज वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें बहुत सारे लोगों की तरफ से मिली है, इसलिए हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे। और वीडियो का टाइटल है पुटिन पुट्स रशियाज न्यूक्लियर मिसाइल ऑन अलर्ट, यूक्रेन वॉर कैन गो न्यूक्लियर। वेल, मैं ये सोच रही थी कि डे बाय डे हमें इसमें थोड़ा सा ऐसी चीजें नजर आएंगी कि थोड़े इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन ये जैसे न्यूज आ रही है बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो में क्या डिटेल्स हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बात इवेंचुअली न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचेगी, नाउ अभी भी मेरी उम्मीद यहां पर यह है कि कोई यहां पर बड़ी गलती ना कर दे, कोई एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी ड्रॉप ना करे। मगर व्लादिमीर पुतिन ने, जैसे आपको पता होगा, रशिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को अलर्ट पे लगा दिया है। और तब से हम देख रहे हैं कि लगातार दुनिया भर में एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है, वुड पुतिन प्रेस द न्यूक्लियर बटन। और ये क्वेश्चन रेज करने का एक प्रॉपर वैलिड रीजन भी है, क्योंकि मेरा यहाँ पर यह मानना है कि कोल्ड वॉर से लेकर अब तक, एक्चुअली आप प्रीटी मच कह सकते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से लेकर अब तक हम लोग एक न्यूक्लियर वॉर के उतने करीब नहीं आए जितने आज के समय हम खड़े हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, तो पुतिन ने रिसेंटली जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस हाई अलर्ट पे रहे, इसका मतलब क्या है? पहले अलर्ट पे नहीं थी क्या? इसका मतलब ये है कि रशिया कह रहा है कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम इमीडिएटली अटैक कर देंगे। न्यूक्लियर हाई अलर्ट की हिस्ट्री क्या है, 1991 में क्या हुआ था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मगर इस बीच एक और बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज आई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रशिया के कहने पर बेलारूस ने अपना नॉन न्यूक्लियर स्टेटस त्याग दिया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे ये रशिया है, ये यूक्रेन, इन दोनों के बीच में जंग हो रही है। यूक्रेन के नॉर्थ में आपको मिलेगा बेलारूस। अभी तक क्या था कि रशिया की जो आर्मी है ये बेलारूस के जरिए यूक्रेन में इन्वेजन कर रही थी। अब बेलारूस ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि रशिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स बेलारूस में डिप्लॉय कर सकता है, ताकि कल को अगर मान लो कि यूक्रेन पर एक जेन्युइन न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी हो तो रशिया के पास ऑप्शन रहे कि ना सिर्फ रशिया की धरती से बल्कि बेलारूस से भी ये स्ट्राइक रशिया कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि अचानक से बेलारूस का ये स्टेप लेना कितना सीरियस है और यूएस भी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर कितना ज्यादा चिंतित है। और पुतिन अगर ये स्टेप ले रहे हैं तो इसे आप खुद ही समझ सकते हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये वॉर, यूक्रेन की जो सारी इन्वेजन की वॉर थी, ये व्लादिमीर पुतिन के प्लान के अकॉर्डिंग अभी तक नहीं गई है। यूक्रेनियंस ने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रेजेंट किया है। मैं अभी भी कहूंगा मिलिटरली रशिया इज फार सुपीरियर, मगर याद रखिएगा रशिया की एक ह्यूज बॉर्डर है, ये अपनी सारी सेना सीधा यूक्रेन की तरफ नहीं फेंक सकते। इनको इंश्योर करना होगा कि बाकी बॉर्डर में भी ये अलर्ट रहे, कोई और देश इन पर सरप्राइज अटैक ना कर ले। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इमैनुअल मैक्रॉन ने रिसेंटली एक बहुत ही, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये वॉर लंबी चलेगी। पुतिन फंस गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अब क्या है कि ना यूक्रेन हार रहा है ना रशिया प्रॉपरली जीत रहा है, बीच की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। और पुतिन के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यहाँ पर यह है कि कीव अभी तक फॉल नहीं किया। कीव में अभी भी यूक्रेन के सोल्जर्स डटे हुए हैं। और वैसे आप अगर देखो तो ईस्टर्न यूक्रेन में काफी हद तक, ये आप अगर मान लो ये जो लाइन अगर हम खींच दें, ईस्टर्न यूक्रेन में काफी हद तक रशिया ने जो ये एरिया है कब्जा लिया है और ये छोड़ने नहीं वाले। ये मोस्ट प्रॉबली या तो हो सकता है कि इस रीजन को ये डिक्लेयर कर दे एज इंडिपेंडेंट कंट्री, या फिर शर्त यहाँ पर ये रखे कि ये सब रीजन यूक्रेन का पार्ट तभी बनेगा अगर करंट गवर्नमेंट यूक्रेन की कहती है कि हम अब पावर में नहीं रहेंगे और यूक्रेन में कंप्लीट एक पावर शिफ्ट किया जाएगा। इधर वे ये सब होने नहीं वाला। इन द एंड पॉसिबिलिटी है कि कीव में आपको काफी वॉयलेंस देखने को मिलेगा। ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि रशियन फोर्सेस कीव में फेस कर रहे हैं स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग को। और इस बीच रशिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है तास, इसने एक ट्वीट कर दी थी। ट्वीट में लिखा था कि रशिया के 4,300 सैनिक मारे जा चुके हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी, कुछ ही घंटों बाद ये ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दी। बताया जा रहा है कि डिलीट इसलिए करी है क्योंकि इससे रशियंस का मोराल डाउन ना हो जाए। उसके अलावा पुतिन ने फेसबुक को, वेरियस सोशल मीडिया वेबसाइट्स को स्लो कर दिया है या फिर ब्लॉक कर दिया अभी के लिए रशिया में, ताकि लोगों को प्रॉपर जानकारी ना मिल पाए, रशियंस को ये पता ना लग पाए कि कितने लॉसेस फेस कर रही है रशियन आर्मी इन यूक्रेन। और अब न्यूज यहां पर यह भी आ रही है
कि जो आसपास के देश है यूक्रेन के, फॉर एग्जांपल डेनमार्क, हालांकि डेनमार्क एक इमीडिएट नेबर नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पे है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि अगर हमारे देश का कोई नागरिक यूक्रेन में लड़ने के लिए जाना चाहता है तो वो फ्री है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली यूक्रेन में आर्मी नहीं भेज रहे, मगर कोई अगर पर्सनल कैपेसिटी में जाना चाहता है यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए, देन ही इज फ्री टू ज्वाइन। और ये स्टेटमेंट अभी बहुत देश देंगे, बहुत से यंग एबल लोग, चाहे डेनमार्क हो या फिर बाकी कंट्रीज हैं, वहां से आएंगे यूक्रेन में रशियन फोर्सेस को कड़ी टक्कर देने के लिए। तो जब ऐसी स्थिति बन गई है, आप इमेजिन कर सकते हैं पुतिन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। एक बार को पॉसिबिलिटी है कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब, एक छोटा न्यूक्लियर विस्फोट कर सकते हैं यूक्रेन को एक मैसेज सेंड करने के लिए कि अगला जो विस्फोट होगा ये बहुत बड़ा होगा और उसमें आप लोग बचेंगे नहीं। ये आप कह लीजिए पुतिन का एक टैक्टिक हो सकता है यूक्रेन को सरेंडर करवाने का, नहीं तो पुतिन ऐसे ही अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पे ना रखते हैं। अलर्ट का मतलब क्या होता है कि कल को रशिया पे अटैक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो मतलब कि बिल्कुल अटैक कर देंगे उसके बाद। देखिए वो तो एक बहुत ही कॉमन पॉलिसी है, वो तो नॉर्मल मोड है। अलर्ट जब ऑन होता है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी आर्मी को कह दिया है कि किसी भी सेकेंड आपको हाई कमांड से, मॉस्को से ऑर्डर आ सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब आपको गिराना है। तो आपका जो न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब कि आपकी जो सबमरीन है, आपकी जो नेवी से आप लॉन्च करेंगे न्यूक्लियर मिसाइल, किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करोगे न्यूक्लियर मिसाइल, या फिर लैंड से आप लॉन्च करोगे, आपका ट्रायड रेडी होना चाहिए इन अ मोमेंट्स नोटिस। ऐसा होना चाहिए कि बस मॉस्को से आपको मैसेज आया, लॉन्च द मिसाइल्स, और सीधा आपने मिसाइल लॉन्च कर दिए। और एक टाइम था हिस्ट्री में जब यूएस भी इसी टाइप के अलर्ट के अंडर रहता था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1991 से पहले के टाइम के बारे में। 1991 में क्या हुआ कि यूएसए के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, जॉर्ज बुश की बात नहीं कर रहा, वो तो बाद में आए थे, मगर जो उनके पिताजी थे जॉर्ज H.W. बुश, इन्होंने अपने उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी डिक चेनी को ये कहा कि कंट्री का जो न्यूक्लियर अलर्ट है इसको ऑफ कर दो। यूएसए ने ये स्टेप लिया अपनी तरफ से, और यूएसएसआर को ये कहा था कि अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सेम स्टेप लीजिए, इससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, नहीं तो हमेशा एक डर लगा रहेगा कि कभी भी कोई भी देश न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। तो यूएसए के न्यूक्लियर फोर्सेस का जो अलर्ट है ये अभी भी ऑफ है। रशिया ने सेंस जो ये अलर्ट है ऑन कर दिया है, इससे पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है कि अगर पुतिन के हाथों ये वॉर फिसल गई, अगर मान लीजिए न्यूज आ जाती है कि रशियन फोर्सेस बहुत लॉसेस सफर कर रही है, दसियों हजारों रशियन सैनिक यहाँ पे मारे जा रहे हैं, कीव कब्जे में नहीं आ रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुतिन विल यूज द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। मगर मेरा यहाँ पर यह मानना है कि अगर मान लो रशिया कुछ हद तक एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करता भी है, उससे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं हो जाएगी, इससे धरती पे पूरा सर्वनाश नहीं हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली होगा यहाँ पर क्या कि इंटरनेशनल ट्रेड बॉयकॉट हो जाएगा रशिया का। एक बार को इंडिया और चाइना भी रशिया की आलोचना करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को यूज करना इज द अल्टीमेट रेड लाइन, के ये लाइन आपको क्रॉस नहीं करनी। ये आपने अगर क्रॉस कर दी तो फिर मैं नहीं मानता कि उस केस में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली आप सोच कर देखिए, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इंडिया और चाइना के लिए रशिया के समर्थन में बात करना, इवन न्यूट्रल रहना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर ये ड्रॉप करते हैं यूक्रेन में, ये किसी बड़े शहर में करेंगे या फिर किसी खुले मैदान में, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं ये भी रूल आउट नहीं करूंगा, यूक्रेन बहुत बड़ा देश है, कई इनके खुले मैदान भी है जहां पे बहुत कम आबादी है, तो वहां पर भी विस्फोट कर सकते हैं ये। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन है, अगला जो ये मिसाइल है ये जाएगा किसी बड़े शहर में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। उस केस में नेटो रशिया पे अटैक नहीं करने वाला, ना यूएस अटैक करेगा, यही होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड एम्बार्गो हो जाएगा, कई देश रशिया से बहुत ही लंबे सालों तक ट्रेड करना बंद कर देंगे। और इन पर जो सैंक्शंस हैं, आप जो भी सैंक्शंस इमेजिन कर सकते हैं, बुरे से बुरे, स्विफ्ट में भी आप अगर देखो तो अभी के लिए रशिया के ऑलमोस्ट 60-70% बैंक्स जो है ये बैन हो चुके हैं फ्रॉम ग्लोबल ट्रांजेक्शन। हो सकता है कि उस वक्त 100% हो जाए, रशिया ऑयल नेचुरल गैस भी सेल ना कर पाए, ये स्थिति आ सकती है। मगर वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह कुछ नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने के बाद बस प्रलय आ जाएगी। बट ऑफ कोर्स याद रखिएगा, मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आपके सामने हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो देखना यहाँ पे ये होगा कि इवेंचुअली रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो पीस टॉक्स शुरू होंगी उसमें क्या नतीजा निकल के आता है, क्या एक लीडर वहां पे पीछे हटता है, क्या यहाँ पर कोई वाइज बात होती है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की बात समझ पाती है। अगर मान लीजिए पीस टॉक्स में ही ब्रेक थ्रू हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है पुतिन को भी ये न्यूक्लियर मिसाइल यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर पीस टॉक्स अगर फेल कर जाती है, रशिया को कंप्लीट यूक्रेन में
इन्वेजन करने में प्रॉब्लम आती है तब पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की। मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का, यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पीके प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, दो तीन साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक प्रॉपर अटैम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all। यूक्रेन और रशिया के हालात तो इस टाइम पूरी दुनिया से वाकिफ है कि वहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया को पे आपको जो है तरह तरह के क्लिप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अभी बीच में जो है ये भी जो जैसे प्रशांत ने बात की पीस टॉक्स की, तो बीच में ये भी मुझे सुनने को मिलेगा बेलारूस में जो है निगोशिएशन करने की जो है वो काफी ज्यादा वो की जा रही है कि वहां पर हो जाए। तो वैसे मेरी तो यही दुआ है कि जो है ना सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और जो है ना जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएं। बिल्कुल, और जिस तरह की स्थिति एक बन चुकी हुई है अभी, नो डाउट ऐसा लग रहा है कि ये चीज अभी थोड़ी ड्रैग हो रही है। और ये चीजें जिस तरीके से प्रशांत सर ने बीच में बोला भी कि जो पुतिन हैं उनके प्लान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं गई हैं, मे बी उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूक्रेन की तरफ से उनको इतना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। बट अभी जैसे बेलारूस की मौजूद ने बात की, मतलब वहां पर निगोसिएशन के लिए बुलाया गया लेकिन वहां पर यूक्रेन ने फिर बाद में मतलब इनकार कर दिया। तो आपको कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी तरफ से ना एक हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है इन डिसीजंस को लेकर। बट जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने बीच में बात बोली, मे बी मैं उस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट भी देना कि अगर कोई अपने मतलब तौर पर भी जाकर वहां पर फाइट करना चाहता है तो वो जरूर मतलब वो जा सकता है, जरूर तो नहीं, खैर वो जा सकता है। मुझे लगता है कि जो जितने भी लीडर्स हैं उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बजाय इसके कि हम लोग दोनों मुल्कों के बीच में एक यू नो बेहतरी लाने के लिए और ऐसे उनके साथ बात करें कि जो दोनों कंट्रीज के लोग हैं वो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें कि जो जंग है या चाहे एक भी हम कहेंगे जान जा रही है उसका कितना लॉस है। तो मुझे लगता है इस साइड पर ज्यादा आना चाहिए राधा दन के, अगर बाकी भी अब जैसे प्रशांत सिंह ने बोला कि और कंट्रीज के लोग भी बोलेंगे तो मुझे लगता है ये वाले स्टेटमेंट्स नहीं है बजाय इसके कि लोग अपने लोगों को अपनी अवाम को इस तरह की स्टेटमेंट दे, उससे बेहतर है कि वो जो है ना दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्हें प्रेशराइज करें कि भाई आप जो है पीस टॉक करें, आप जो है एक पॉइंट पर आए और जंग बंदी करें, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है जैसे मांदी ने बात की कि एक जान भी होती है वो बहुत ज्यादा कीमती होती है, तो वो चीजें जो है ना बंद होनी चाहिए। दूसरी साइड में बेलारूस की भी बात करना चाहूंगा कि उन्होंने जो एक अपना जो वो खत्म कर दिया है, रिवोक कर दिया उन्होंने अपना जो है न्यूक्लियर यूज का, तो उन्होंने भी अगर देखा जाए तो ये चीज मेरे मुताबिक सही नहीं की, क्योंकि ये एक टाइम में ऐसा है कि इसमें जो है ना वो बैलेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और न्यूक्लियर की मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है कि अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी या अगर कहीं और अच्छे कामों में यूज होती है ना, सिर्फ उसके लिए इसे यूज करना चाहिए बजाय इसके कि हम जो है एक दूसरे को खत्म करने के लिए, एक दूसरे को सरेंडर करवाने के लिए इसे इस्तेमाल करें। अगेन मैं कहूंगी कि मैं तो ये भी नहीं चाहूंगी जैसे वीडियो में बोला कि टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है वो यूज किया जाएगा, मतलब छोटे से छोटा भी नुकसान जो है ना वहां पर जानने तो जाएंगी, चाहे वो दो जाए तीन जाए लेकिन एक नुकसान होगा। और उसके अलावा उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे वो हम में से किसी को नहीं पता कि क्या पता हो सकते हैं। बट ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ जैसे अगर रशिया यूज करता है वेपन को, मतलब न्यूक्लियर वेपन को, तो उसका नुकसान सिर्फ मुझे लगता है कि रशिया को नहीं होगा, बाकी दुनिया को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगी चीजें प्रॉब्लम, क्योंकि सैंक्शंस तो लगेंगी नो डाउट, उनको तो तंगी आएगी, लेकिन जो चीजें रशिया एक्सपोर्ट करता है और जिस पर बाकी दुनिया जो है वो डिपेंडेंट है रशिया पर, यूक्रेन पर,
तो मुझे लगता है कि बाकी सब लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी यार यार पड़ेंगी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो अभी रशिया का साथ दे रहे हैं, अगर वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो नो डाउट उनका जो है ना न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे भी रिसेंटली जो वोटिंग हुई थी यूएन में, उसमें जो है यूएई, चाइना और इंडिया जो है इन्होंने बिल्कुल एक न्यूट्रल फेस जो है शो किया था। अगर क्या नाम लेते हैं रशिया इस तरह का जो है कोई काम करता है, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है, तो नो डाउट है इन तीनों कंट्रीज का भी वहां पर न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल इन पे भी एक इंटरनेशनल प्रेशर के साथ साथ अपनी एक पब्लिक का भी प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा। मौसम, आई थिंक इंटरनेशनल प्रेशर को अगर आप खुद भी साइड पर रखो ना, एक जो लिमिट, एक बाउंड्री जो सेट की गई है वो क्रॉस हो जाएगी, और मुझे लगता है कि वो चीजें फिर कभी भी सही नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करने पर आओगे तो इस तरह से तो कोई भी उठकर किसी को ऐसे मतलब न्यूक्लियर वॉर एक स्टार्ट करना शुरू हो यार जाएगा। इन शॉर्ट जो है ना, अगर रशिया यूज कर लेता है ना, ये एक तरह की आप जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपने किसी को डराना है, और अगर उस कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो आप उस पर छोटा सा बॉम्ब फेंक दे ताकि वो डर जाए और सरेंडर कर जाए। और अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अपने डिफेंस के लिए भी कहेंगे हम भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हम भी अपने आप को इतना सफिशियंट बनाते हैं कि कल को हमें कोई इस तरह ना कह सके। मैं तो फिर भी ये बात बोलूंगी, ये किसी किस्म की बॉम्बिंग ये वो कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे डराने के लिए भी ये नहीं होनी चाहिए, आपको टेबल टॉक्स करनी चाहिए, और मुझे लगता है दुनिया को इस साइड पर आना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, लीडर्स को कन्विंस होना चाहिए कि हर चीज का जो एक एंड है वो आपकी ईगो पर आकर नहीं होता। अगर अभी हम देखें रशिया की स्थिति इस तरह की है कि जो पुतिन है अब उनको मतलब वो इस तरह की स्थिति में आ चुके हैं ना, तो वो पीछे हट सकते हैं ठीक है, और आगे जाएंगे तो नो डाउट रशिया की जो अगर हम लोग इंटरनल सिचुएशन की भी बात करें तो वॉर में अच्छी अच्छे लोगों की इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो बर्बाद हो जाती जाती है, हैं। तो उन चीजों को भी अगर हम लोग मद्देनजर रखें तो रशिया जो है वो बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की तरफ से भी अभी काफी ज्यादा हम कहेंगे कि एक आपको मतलब उस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है जहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी उस तरीके से नजर नहीं आ रही, तो जब तक दोनों जो लोग हैं, दोनों स्टबर्न देशों के लोग हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि चीजें जो हैं वो ठीक होंगी। फिर उसके साथ साथ जहां तक न्यूज सुनने में आ रही है कि जो लोकल्स हैं यूक्रेन के उनको मतलब जो हथियार हथियार जो है वो सप्लाई करने के बारे में कहा जा रहा है, तो वो भी अगेन मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको अपना डिफेंस नहीं करना, बिल्कुल आपको डिफेंस करना, बट आई थिंक उसके ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो इधर उधर के लोग जो डिवाइड होकर एक दूसरे को एक तरह से बकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और उसमें लोगों का इतना ज्यादा जाने जा रही है, नुकसान हो रहा है, मुझे लगता है उनको जो लीडर्स हैं उनको कन्विंस करना चाहिए। नो डाउट वो कर भी रहे होंगे, बट आई थिंक और ज्यादा एफर्ट्स इस साइड पर डालनी चाहिए रादर देन कि लोगों को चीजें आप इस तरह की प्रोवाइड करो कि उनके बीच में और ज्यादा क्लैशेस। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया था कि जब से जंग स्टार्ट हुई है लगभग 1 लाख के करीब यूक्रेन से जो लोग हैं वो माइग्रेट करके गए हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में। और उसके अलावा जो है जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उसने भी ऐलान किया है कि 18 साल से कम की जो लड़के हैं वो अगर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं और औरतें जा सकती हैं, लेकिन जो मर्द 18 साल से लेके 60 साल के बीच है वो कहीं नहीं जा वॉर सकते, के वो लिए वॉर के लिए कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करें। करें। तो वो बिल्कुल वही वीडियोस में देख रही थी, तो बहुत ज्यादा रोना आ रहा था उन लोग बकायदा रो रहे थे अपनी फैमिलीज को छोड़ते हुए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि वो लोग अपनी फैमिली से अलग रहे, बिल्कुल, बट इस तरह की स्थिति बन चुकी हुई है कि अब गवर्नमेंट के अंडर आपको हर चीज करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से वीडियो में भी बताया कि जो मतलब सोशल मीडिया है रशिया पर वो भी मतलब प्रॉपरली नहीं चीजों को बता रहा, या फिर इंटरनेट स्लो कर दिया गया वहां पर, वेबसाइट्स जो ब्राउजर हैं वो स्लो कर दिए गए, तो अगर देखा जाए तो सब कुछ तो अब फिर वहां पर लोगों को कंट्रोल तो कुछ पता नहीं, वो सब कुछ कंट्रोल्ड हो गया, मतलब गवर्नमेंट जैसे चाहेगी जो दिखाना चाहेगी लोगों को तो बस वही पता चलेगा, तो आपका जो कनेक्शन बाहरी की दुनिया से वो काफी हद तक जो है वो कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो उनसी है वो सही नहीं होती, क्योंकि आपको अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और नो डाउट मैं ये भी समझती हूँ कि लोगों में से सब लोग जो समझदार नहीं होते, नहीं कुछ होते ऐसे भी होते जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो आपको भड़काते हैं,
बट अगेन गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरीके से लोगों को मैनेज करें, हैंडल करें। दैट्स वाई दे आर लीडर, और इसीलिए उनको चूज किया जाता है ताकि वो चीजों को एक आम नागरिक से ज्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। क्योंकि ये देखो कि जैसे मौसम ने बोला कि बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करके चले गए, इसके साथ साथ जो लोग बहुत सारे फॉरनर्स आए हुए थे पड़े इंडिया और पाकिस्तान से जो लोग गए हुए हैं, उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, उनके घर वाले कितने परेशान हैं। तो इसका असर सिर्फ दो मुल्कों के बीच में नहीं रहता है, इसका असर बहुत सारे मुल्कों तक चला जाता है। एनीवे गाइस, आपका क्या मानना है इसके बारे में जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है आने वाली स्थिति किस तरह की होगी और किस डायरेक्शन में चीजें जाएंगी जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें ज्यादा लाइक सब्सक्राइब।